हम वैक्सीन की बात करें तो लोगों के मन में ये भय बना हुआ है कि अभी नई नई वैक्सीन निकली है तो कहीं इसका साइड इफेक्ट हमें अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले 2-4 साल में इसके गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो ये भी एक रीज़न है कि लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुँच रहे। ऐसे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है इंडिया में तो नहीं लेकिन अदर कंट्रीज़ में, और सिर्फ एक नहीं 4-5 ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर कोविशील्ड लगवाने के बाद पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई, ब्रेन हैमरेज हुआ, और कई जगह पे कई देश बाहरी कंट्रीज़ में लोगों की डेथ भी हुई है। तो ये भी एक ना एक जब लोग खबर सुनते हैं तो डर का माहौल बनता ही बनता है। WHO बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। सबसे पहले जब 2020 में कोरोना के बारे में पता चला था तो WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसे सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। फिर WHO ने अपना स्टेटमेंट बदला, कहता है कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं, नहीं। तो कहीं ना कहीं WHO ने कभी, तो जिनको सिम्टम्स है सर्दी खांसी जुकाम बुखार और सांस लेने में तकलीफ, कोरोना के जो भी सिम्टम्स हैं उनको तो ट्रीटमेंट दिया ही जा रहा है, लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं उनको भी कोरोना घोषित कर दिया जा रहा है, उनको भी कोरोना का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बल्कि उनका कहना है कि वो टोटली फिट हैं। और शायद यही एक अफवाह भी फैली हुई है कि जी लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने जो है कि कोविड हमें बता दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी खोसला, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना वैक्सीन पर। कोरोना ने पूरे देश में, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में दोगुनी रफ्तार से अपने पैर पसार लिए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो हर 24 घंटे में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज अस्पताल में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने शहर, अपने जिले, अपने यमुनानगर की बात करें तो हर 24 घंटे में 200 के करीब कोरोना पेशेंट जो है हमें अस्पताल में देखने को मिल जाएंगे। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द हमारे बीच में से कोरोना जैसी महामारी निकल जाए। और साथ ही साथ हम गॉड से ये भी प्रे कर रहे थे कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जल्द से जल्द हमारे बीच कोरोना वैक्सीन आ जाए। लेकिन अब जब कोरोना वैक्सीन हमारे बीच उपलब्ध है तो फिर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर आम जनता में, हमारे में, आपके में कोरोना को लेकर लापरवाही और कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता का अभाव बना हुआ है। और जब हमने बात की लोगों से तो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां थी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं घर से निकलती हूँ और चलती हूँ सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं बात करूँगी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय दहिया जी से, और अपने साथ साथ उन तमाम लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं उन सारी भ्रांतियों को कम करने का भरसक प्रयास करूँगी। और साथ ही साथ जितने भी सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब हम डॉक्टर विजय दहिया जी से बात कर लेंगे, ताकि सारी जिज्ञासाएं लोगों के मन में जो उत्पन्न हो रही है, जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं वो क्लियर हो सके। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप जितना संभव हो सके बहुत ही इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो इन सब में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए सीधे हम बात करेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय दहिया जी से। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि कोरोना है क्या? देखिए, कोरोना जो है ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस 1960 से हमारे ब्रह्मांड में, हमारे विश्व में उपस्थित है, लेकिन कुछ समय के बाद वायरस जो है वो अपनी स्वरूप को बदलता है। अब जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, वो कोरोना का एक स्वरूप है जिसको हम COVID-19 बोलते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वायरस जो है वो अपनी स्वरूप को बदलता है। अब जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, वो कोरोना का एक स्वरूप है जिसको हम COVID-19 बोलते हैं। 19 इसलिए कि December 2019 में इसका आगाज हुआ, शुरुआत हुई, इसलिए इसको COVID-19 नाम दिया गया। इसके साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब ये एक साधारण वायरस है तो इससे और आम वायरस में फ़र्क क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंस को जानना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति अमूमन साल में 1-3 बार उसको साधारण खांसी जुकाम बुखार होता है, जिसको हम साधारण वायरल फीवर बोलते हैं कि वायरल फीवर हो गया, 2-3 दिन व्यक्ति के अंदर रहती है वायरस और उसके बाद शरीर के जो स्वयं ही सिस्टम उसको कोप अप कर लेता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन जो COVID-19 है ये ह्यूमन वायरस नहीं है, ये एनिमल का वायरस है। और वायरस का एक खासियत होती है कि जो
वायरस की वैरायटीज़ जो हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस जो हैं, जो प्रीडोमिनेंटली प्राइमरीली जानवरों को इन्फेक्ट करती हैं वो जानवरों को ही इन्फेक्ट करती हैं, जो इंसानों को इन्फेक्ट करती हैं वो इंसानों को ही इन्फेक्ट करती हैं। कई बार ट्रांजिशन में वो वायरस अपने आप में एक बदलाव ले आती है अपने स्वरूप में, और वो इन जानवरों से इंसानों में या इंसानों से जानवरों में चली जाती है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो जानवरों से इंसानों में आती है तो कई बार इंसानों से इंसानों में भी उसकी ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, जैसे कि इस केस में हुआ कि पहले जानवरों से इंसान में आई और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू होगी। और क्योंकि आजकल आवागमन बहुत ज़्यादा है व्यक्तियों का, देश विदेश से लगातार लोगों की माइग्रेशन होती है, हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो चाइना से शुरू हुआ ये वायरस पूरे संसार में बहुत जल्द फैल गया और इसने एक महामारी का स्वरूप ले लिया जिसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। इसके साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो साधारणतः वायरस है, जो हम लोगों को, क्योंकि हम लगातार एडल्ट एज में उस वायरस के संपर्क में कई बार पहले आ चुके होते हैं, तो उस वायरस से लड़ने की जो इम्यून सिस्टम है हमारा, एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनी होती हैं, और हम उस वायरस को, जो साधारण वायरस है, उसको कोपअप कर लेते हैं। लेकिन वही वायरस जब किसी नवजात शिशु को अटैक करती है, जैसे कि जो बच्चे न्यू बॉर्न बच्चे पैदा होते हैं, उनको ये सिंपल वायरसेस जो हम आम व्यक्तियों को, हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम उससे इन्फेक्ट हुए, कब उससे रिकवर कर गए, यही वायरस जब उस नवजात शिशु को अटैक करती है तो उसको कई बार गंभीर बीमारी की तरफ ले जाती है, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं, और नवजात शिशु को उन साधारण वायरस से भी निमोनिया हो जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रेंथन नहीं है, उसमें बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधात्मक शक्ति, ताकत नहीं है, वो जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ ना होने की वजह से, चाहे वो नवजात शिशु में शुरू में नहीं बनी हुई, या किसी एडल्ट एज में बुजुर्ग लोग में धीरे धीरे वक्त के साथ वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, उसकी वजह से ये बीमारी इन लोगों पर भारी पड़ती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी इंसानों में जानवरों के माध्यम से आई है, इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो जब ये पेंडेमिक चलता है तो 2-2.5 साल का अमूमन समय लगता है इस पेंडेमिक के अगेंस्ट आम जनता में, आम लोगों में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और उस समय तक इससे वायरस से बचने का एक ही मात्र तरीका है, जो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के माध्यम से बताया गया, कि हम कैसे इस बीमारी के सीधे संपर्क में ना आएं, कैसे इस वायरस से सीधे संपर्क में ना आएं, और यदि आ गए हैं तो हमारे माध्यम से ये दूसरे व्यक्ति में ना फैले। क्योंकि पोर्टल ऑफ एंट्री इसका, अगर हमारे शरीर में ये वायरस प्रवेश करेगी तो मुंह, आंख और नाक के माध्यम से प्रवेश करेगी, बाकी ये वायरस हमारे हाथ में शरीर पे लगी रहे तो हमारे लोगों को इतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वही गंदे हाथ जब हम अपने मुंह को, नाक को और आंखों को छुएंगे उससे, तो वायरस की जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, और इस पोर्टल ऑफ एंट्री से जब वो प्रवेश करेगी तो यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या हमारे में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ कम हैं, तो ये हमारे शरीर के ऊपर अटैक करेगी और हमें गंभीर बीमारी की तरफ ले जाएगी, और वो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे इन्वॉल्व करती है, उसके बाद हमारे मल्टीपल लगभग सभी शरीर के अंगों को विकृत करती चली जाती है, जिसको मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, और बहुत थोड़े समय में ही मृत्यु जो है तक इस बीमारी की वजह से हो सकती है। इसलिए ये कहा गया है कि ये बीमारी आम साधारण वायरस से डिफरेंट है, क्योंकि एक तो फैलती बहुत जल्दी है, दूसरा ज़्यादातर लोगों में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो कोमोर्बिड हैं, जिनको दूसरी बीमारी हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन के हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, चाहे वो किसी क्रोनिक बीमारी के से पीड़ित हैं, जिनकी दवाई चल रही है, इम्यूनो सप्रेसेंट ट्रीटमेंट पर हैं, किसी का रीनल ट्रांसप्लांटेशन हुई है, कोई कैंसर का पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे व्यक्तियों तक ये बीमारी जब हम कैरियर के माध्यम से पहुंचती है, हेल्दी लोगों के माध्यम से पहुंचती है, तो उनकी मृत्यु का एक कारण बन जाती है। 2020 का जो कोरोना है वो 2021 से इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, 2021 का कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा क्या कोरोना ने अपना स्वरूप बदला कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया? देखिए, जैसे जैसे कोरोना, कोई भी वायरस है, क्योंकि ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, हर व्यक्ति चाहे वो वायरस है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है। जब उस पर लगता है कि ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ हो रही है और उसमें वो उस पर रहने की जगह नहीं मिलती, तो वायरस की का प्रयास रहता है कि वो अपने स्वरूप को बदले, जिसको हम वेरिएंट बोलते हैं। तो जब वायरस अपने आप को बदलाव करता है, तो उसमें जो जिन लोगों में उसके प्रति कुछ थोड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनी हैं, वो भी पर्याप्त नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ बता रहे हैं, स्टडीज़ आ रही हैं, उसमें जो वेरिएंट आ रहे हैं,
वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे हमारे सिस्टम को भी, जैसे स्किन की लक्षण भी उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं, रैशेज शरीर के ऊपर उभर रहे हैं, डायरिया की और वोमिटिंग की शिकायत के साथ लोग आ रहे हैं, जनरल मलेज के साथ, यानी कि शरीर जैसे शरीर में सारे शरीर में थकावट सी महसूस होती है, बुखार के साथ केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से वायरस ने अपने स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव किया है, और ये लगातार एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया रहती है। समय के साथ साथ वायरस भी अपने जो आकृति को और अपने एंटीजन उस जो उसका स्वरूप है उसको बदलता है। 2021 स्टार्ट हुआ था जनवरी का, तो हम यही सोच रहे थे कि शायद पूरी जनता को कोरोना वायरस से राहत मिल जाएगी, लेकिन कोरोना ने अपना रूप ही बदल लिया और खतरनाक हो गया। तो अब जैसे ये नया जो स्वरूप आया है वो अर्ली स्टेज का है, तो क्या नेक्स्ट ईयर में हमें फिर से कोई कोरोना का और भयंकर स्टेज दिखेगा? देखिए, चाहे थोड़ा स्वरूप बदल ले भी ले वायरस, जैसे मैंने कहा कि क्रॉस इम्यूनिटी भी होती है, कि जिस तरीके की, जैसे एक बिल्कुल जब नया एक्सपोजर किसी बीमारी का हमारे, जब कोई नया एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन जब हम कोई एक उस तरीके का, जैसे कि हमारी वैक्सीन की भी बारे में बात करेंगे, तो उस तरीके का जब वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की, ठीक है कि बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है, तो उसकी वजह से इस बीमारी के अगेंस्ट भी वो एंटीबॉडीज़ काम करती हैं, तो वो दूसरी जो वायरस है वो इतनी घातक नहीं होती जो यूजली प्रैक्टिस होती है। उसमें कई बार इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, मॉर्टेलिटी कम होती है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम होती है, लेकिन फिलहाल जो स्टेज है आज हमारी, हम उस पुराने वायरस से भी पूरी तरह से इम्यून नहीं हुए हैं, पूरी तरह से उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी नहीं बनी है, तो अब हम दोहरी मार झेल रहे हैं, पुराना वायरस भी हम के साथ भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और जो नए वेरिएंट हैं उनके साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस समय पर जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन जरूर करते रहें। बहुत से लोग, ये भी बात कई लोगों का सवाल रहता है कि जो मास्क का हम प्रचलन करते हैं, मास्क का हम लगातार पहनते हैं, वो सभी वायरस को तो नहीं रोकता। ये ठीक है कि वो सभी वायरस को ही नहीं रोकता, लेकिन कुछ वायरस को रोकता है, कुछ क्वांटिटी में वायरस को रोकता है, और ये सारा जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ये वायरस के लोड पर डिपेंडेंट होते हैं। जितना ज़्यादा वायरस हम शरीर में इनहेल करेंगे, जितना ज़्यादा शरीर में हम वायरस लेंगे, उतना ही सारा हमारे शरीर को वो नुकसान करेगा। थोड़ी क्वांटिटी में अगर हमारे शरीर में वायरस जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारे शरीर को समय मिलता है, टाइम मिलता है हमारे शरीर को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी करने में, उसके खिलाफ रिएक्ट करने में। लेकिन अब वो अगर लोड ज़्यादा है, वायरस शुरुआत में ही हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट शरीर को समय नहीं मिलता कोप अप करने के लिए, इसलिए जो डिजास्टर्स हैं वो जल्दी हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हम उसकी भी बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड हाइजीन की भी बात करें, तो ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि यदि हम इन चीज़ों का पालन करते हैं तो वायरस का लोड हमारे शरीर में कम प्रवेश करता है, और जब हमारे शरीर में कम प्रवेश करता है तो हमें, हमारे शरीर को ज़्यादा समय मिलता है उसके खिलाफ रिएक्ट करने में। और इसके साथ ही जिन लोगों की इम्यून स्तर कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से है, चाहे वो कोई ट्रीटमेंट उनकी ऐसी चल रही है जिसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम के ऊपर, जैसे हम HIV एड्स की बात करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कम है, ऐसे व्यक्तियों में जब ये वायरस जाएगा तो वायरस का कम लोड होगा, उसके बावजूद भी शरीर में वो वायरस जल्दी जल्दी रेप्लीकेट करेगा, यानी कि वो शरीर में उसकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ेगी और अल्टीमेटली वायरस का लोड बढ़ जाएगा। चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, चाहे वो हमारे क्रॉनिक बीमारियों के पेशेंट हैं, इनके शरीर में यदि वायरस कम भी प्रवेश करता है तो वो शरीर में रेप्लीकेट करता है, बहुत जल्दी जल्दी मात्रा में बढ़ता है, क्योंकि वो शुगर जो है वो कल्चर मीडिया का काम करती है, इससे उस व्यक्ति में ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए अब तक जो डेथ्स हुई हैं तो उसमें 40-60% जो रेशो है वो डायबिटिक पेशेंट्स की आ रही है, कि 40-60% जो लोग हैं वो डायबिटिक हैं जिनकी डेथ हुई है। इसी तरह से जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, जो ओबीज पेशेंट हैं, या क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित जो पेशेंट हैं, उनकी डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि जो वायरस का लोड है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का। तो यदि किसी वजह से, किसी भी तरीके से हम वायरस के लोड को कम कर सकें तो शरीर को समय मिल जाता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में, उसके खिलाफ प्रतिरोधात्मक शक्ति तैयार करने में, और हम इस बीमारी की, महामारी की जो अंतिम नुकसान है, जो डेथ है, उसको हम बचा सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर बाय चांस थर्ड स्टेज भी, जो लहर चल रही है कोरोना, दूसरी लहर चल रही है, कहीं अगर आगे फ्यूचर में तीसरी लहर चल गई, तो क्या हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि हम तीसरी लहर में भी सर्वाइव कर? बिल्कुल। इस, अब ये जो पिछला साल जब हमने झेला, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही बचाव का एक ही तरीका था, कि हम मास्क का प्रयोग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे, लोकल जो हैंड हाइजीन की बात करते थे। लेकिन आज हमारे पास साइंटिफिकली प्रूव्ड एक तरीका है जिसको हम
वैक्सीन बोलते हैं, वैक्सीन के माध्यम से अब हम लोगों की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उस वजह से हम बेहतर पोजीशन में हैं कि हम इस बीमारी से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि आप ये कहोगे कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो कई बार लोगों में के दिमाग में ये भ्रांति आ जाती है कि आज मैंने जिस तरह से मुझे वैक्सीन आ गई है तो अभी बीमारी खत्म हो जाएगी, और कुछ केसेस क्योंकि हमारे लगातार केसेस कम हो गए थे तो उससे भी लोगों के दिमाग में लगा कि अब बीमारी का अंत हो गया है। लेकिन ये पेंडेमिक जो है एक साल में कभी भी खत्म नहीं होता, 2-2.5 साल इस पेंडेमिक को जाने में हमेशा लगते हैं, और इस तरह के कि ये स्पाइक्स या पीक्स जो हैं वो आती रहती हैं बीच बीच में, जब हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं हमारा आवागमन बढ़ जाता है, तो एक क्योंकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तक जाता है, तो जैसे ही हम लापरवाही करने लगते हैं तो संक्रमण की तादाद बढ़ जाती है और हमारे माध्यम से ऐसे लोगों तक भी संक्रमण जाता है जो इस वायरस के अगेंस्ट जिनमें इम्यून सिस्टम कमजोर है और उनकी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का कारण बनता है। इम्यून सिस्टम को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सके, इसके लिए आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ पैसा देखिए, जो हमारा इनहेरेंट इम्यून सिस्टम है वो हमारी डाइट पर बहुत निर्भर करता है। यदि हम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, फल फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे डाइट में ज़्यादा होते हैं, जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो नॉन वेजिटेरियन डाइट और उसके साथ अंडे का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, प्रचुर मात्रा में जो है हमारी जो पुरानी आयुष की जो औषधियाँ हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं, जो बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया है कि जो हम काढ़े का इस्तेमाल करते हैं, हमारी होम मेड रेमेडीज हैं जिसमें हम तुलसी का प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। तो जो यंग जनरेशन है उनके लिए बिल्कुल सही है कि वो इस समय पर अपनी एक तो रेगुलर डाइट लें। बहुत समय पर हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो कामकाजी व्यक्ति हैं, वो आमतौर पे अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, फिर वो जंक फूड लंच में ले लेते हैं और उसके बाद रात को हैवी डाइट लेते हैं, तो ये जबकि तरीका ये है कि हमारा हैवीएस्ट जो होना चाहिए वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारा मॉडरेट लंच होना चाहिए और सबसे न्यूनतम हमारा डिनर होना चाहिए क्योंकि उसके बाद हमने आराम करना होता है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम हैवीएस्ट डिनर लेते हैं तो वो जितनी ज़रूरत है शरीर उतना ही पचाएगा, उसके बाद का हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगता है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है और अच्छी तरह से आप नींद भी नहीं ले पाते। तो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें हमारा फल फ्रूट भी शामिल है, ग्रीन वेजिटेबल भी शामिल है, सीजनल जब भी जो फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं, जो भी वेजिटेबल मार्केट में आ रही है उसको हम बदल बदल कर लेते रहें, अच्छी क्वांटिटी में हम लिक्विड लेते रहें, पानी लेते रहें, ORS का घोल लेते रहें, नींबू पानी शिकंजवी लेते रहें, इससे हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और हम हेल्दी फील भी करते हैं। जब हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन लेना चाहा कि आखिर जागरूकता का कमी कहाँ से आ रही है, लापरवाही क्यों लोग बरत रहे हैं, सारे कारण पता चले कि जिस वजह से जागरूकता की कमी है और लोग कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लापरवाह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सबसे पहले अगर हम वैक्सीन की बात करें तो लोगों के मन में ये भय बना हुआ है कि अभी नई नई वैक्सीन निकली है तो कहीं इसका साइड इफेक्ट हमें अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन आने वाले 2-4 साल में इसके गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो ये भी एक रीज़न है कि लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, हम रोल मॉडल तभी बनते हैं जब हम खुद के ऊपर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तभी हम लोगों को सिर्फ यदि हम सलाह दें और खुद उसका पालन ना करें तो शायद उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं आता। जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो सबसे पहले एम्स के डायरेक्टर मेडिकल, हमारे हरियाणा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, सभी जिलों में ऑलमोस्ट सभी सिविल सर्जन ने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाई। उसके बाद जब फ्रंटलाइन वर्कर की बारी आई तो ऑलमोस्ट सभी उपायुक्तों ने, पुलिस जो हमारे चीफ थे, SP थे जेलों के, जो स्टेट लेवल पे भी चीफ थे, और उसके बाद जब 60 साल से ऊपर की बात ही आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सबसे पहले। तो जब हम लाइव एग्जांपल देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कितनी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है और किसी को कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनेशन के बाद कोई ऐसा इस तरीके की रिएक्शन हुई नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा इसके बारे में अब कोई संशय या संदेह नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन हमारी पूर्णतः सेफ हैं, हमारी वैक्सीन एफिकेशियस हैं, हमारी वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। और इस महामारी से बचने के लिए एकमात्र हमारे पास साइंटिफिकली प्रूव्ड जरिया है, क्योंकि इसका कोई दूसरा इलाज उपचार जो साइंटिफिकली प्रूव्ड उपचार हो वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इससे बचाव ही एकमात्र हमारे पास उपचार उपलब्ध है, तो हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए और किसी तरीके की संशय में नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी COVID-19 हो जाता है, कि COVID-19 की वैक्सीन इस चीज़ का कोई की गारंटी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर फ्लू होता है, उसको फ्लू की वैक्सीन भी अगर वह लगवा रहा है तो उसको फ्लू हो सकता है,
लेकिन वो उसके बीमारी को इतनी गंभीर अवस्था में नहीं जाने देगा कि उसको या तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े या उसकी मृत्यु हो। तो ये बीमारी हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाती है, हमें कोविड ना होने की कोई गारंटी नहीं करती, क्योंकि इसके फैलाव का एक ही मात्र जरिया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। एक व्यक्ति जब गंभीर संक्रमित होगा तो उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आएगा, तो वो संभव है कि उसको उसके वहाँ से वायरस मिले और वायरस उसके शरीर में प्रवेश करे। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड निर्धारित है कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीन लगी हुई है उनको गंभीर बीमारी नहीं होगी, उनको गंभीर बीमारी यदि हो भी गई तो उनकी डेथ कम से कम नहीं होगी। लेकिन जनता जो है न्यूज़पेपर देखती है, टेलीविज़न देखती है, रेडियो सुनती है, मतलब कि कह सकते हैं कि मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन्फॉर्मेशन की भरमार आ रही है। ऐसे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है इंडिया में तो नहीं लेकिन अदर कंट्रीज़ में, और सिर्फ एक नहीं 4-5 ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर कोविशील्ड लगवाने के बाद पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई, ब्रेन हैमरेज हुआ, और कई जगह पे कई देश बाहरी कंट्रीज़ में लोगों की डेथ भी हुई है। तो ये भी एक ना एक जब लोग खबर सुनते हैं तो डर का माहौल बनता ही बनता है। तो ऐसे देखिए, अगर हम इसमें हम वॉल्यूम पर जाएँ, अगर हमने 3.5-4 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीनेशन कर दिया, ऐसे कितने केस रिपोर्ट हुए हैं? हमारे हिंदुस्तान में तो एक भी ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो जब भी कोई व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे प्रचार होता है, इसकी उसकी पीछे की जो सच्चाई है उसको हम गहनता से जांच कर लें। वो हमने ये देखा कि नेगेटिव जो विचारधारा है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, बहुत जल्दी फैलती है। पॉजिटिविटी को समय, उसको प्रचार प्रसारित होने में समय लगता है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव न्यूज़ है वो बहुत जल्दी से फैलती है। एक इंसिडेंट, यदि कई बार कई चीज़ें इंसिडेंट को इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होती है कि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी थी और उसको उस समय पे वैक्सीन लग भी गई और उसकी जो है उसके साथ कोई अनहोनी घटना उस बीमारी की वजह से हो गई जो या उस इंसिडेंट की साथ हो गई जब उसको वैक्सीन लगी, तो उससे कई बार वो चीज़ें कोरिलेट भी हो जाती हैं। तो ये उन कंट्रीज़ में भी जहाँ की आप बात कर रहे हो, बाद में जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो वहाँ पे उन्होंने उसको सबको फ्री होल्ड दे दिया था कि वैक्सीन से डायरेक्टली रिलेटेड इस तरीके की कोई गंभीर समस्या नहीं आ रही है, और वहाँ पे भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर चल रही है। लेकिन सर, ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको अभी भी कहा जा रहा है कि अभी इसको रोक दिया? नहीं, अभी कहीं नहीं रोका गया है। जब भी कोई भी दवाई इस तरह से, कोई वैक्सीन जो है वो एक कंट्री में चल रही हो दूसरी में, इस तरह से नहीं होता है। अगर उसमें कोई गंभीर परिणाम ऐसे निकलते हैं तो वो पूरे विश्व में ही, वो जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि कोई दवाई है वो बैन हो जाती है, तो पूरे विश्व में वो दवाइयाँ बैन हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में वो सेफ है, दूसरे देश में वो नहीं है। तो जब तक ये वैक्सीन, जब तक ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या WHO इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं करता कि हाँ ये डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेड है, तो इस तरह से वैक्सीन कभी भी की सप्लाई चेन को नहीं रोका जाता, वैक्सीनेशन को बंद नहीं किया जाता। उसके पीछे एक ठोस आधार होते हैं, तभी इस तरीके की स्टेप्स लिए जाते हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स आते हैं, उनकी थ्रेडबेयर स्टडीज़ भी की जाती है, उनको देखा भी जाता है, परखा भी जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। लेकिन वो अगर डायरेक्ट उनके साथ सीक्वेंसिंग नहीं मिलती, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता, फिर उस चीज़ को हटा दिया जाता है। तो उसमें लोग ये भी कह रहे थे कि WHO बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। सबसे पहले जब 2020 में कोरोना के बारे में पता चला था तो WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसे सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। फिर WHO ने अपना स्टेटमेंट बदला, कहता है कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं नहीं, तो कहीं ना कहीं WHO ने कभी ये नहीं कहा कि कोरोना वायरस जैसी चीज़ नहीं है। वो आप, कई बार मैंने इसलिए कहा आपको कि जब भी आप किसी चीज़ को, किसी सोशल मीडिया पे आई हुई किसी चीज़ को प्रचारित प्रसारित करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लें। WHO के नाम से किसी ने कोई वेबसाइट बनाकर या WHO की फेक ID बनाकर या लगाकर किसी चीज़ को प्रचारित प्रसारित कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि वो स्टेटमेंट WHO ने जारी किया है। WHO ने आज तक कभी नहीं कहा कि ऐसी महामारी नहीं है, WHO द्वारा ही इसको महामारी घोषित किया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने ये कभी कहा है। जैसे मैंने कहा कि कई बार इसमें आपको फोटोशॉप करके भी बहुत तरीके की जो प्रचार हैं, प्रचारित प्रसारित चीज़ें की जाती हैं जिनमें सच्चाई नहीं होती, तो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे WHO की ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ पर देखिए, आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साइट है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, या आप सिविल सर्जन ऑफिस की जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो ऑथेंटिकेटेड है, वहाँ से जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। सिर्फ एक व्यक्ति ने WHO की कोई स्लोगन लगाकर या उसका वो पोर्टफोलियो लगाकर उस चीज़ को स्प्रेड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो WHO द्वारा अधिकृत की गई। और एक सबसे अहम जो सवाल उठकर आया है जनता के बीच से, वो ये आया है कि जैसे कि अभी सरकार कैंपेन चला रही है
बैंक में जा रही है, वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर है उनको कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन में कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो जिनको सिम्टम्स है सर्दी खांसी जुकाम बुखार और सांस लेने में तकलीफ, कोरोना के जो भी सिम्टम्स हैं उनको तो ट्रीटमेंट दिया ही जा रहा है, लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं उनको भी कोरोना घोषित कर दिया जा रहा है, उनको भी कोरोना का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बल्कि उनका कहना है कि वो टोटली फिट हैं। और शायद यही एक अफवाह भी फैली हुई है कि जी लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने जो है कि कोविड हमें बता दिया। देखिए इस बारे में बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिम्टम किसी व्यक्ति में है या नहीं है। 40-70% के लगभग लोग ऐसे हैं जिनको कि सिम्टम या तो होंगे नहीं या बहुत मामूली होंगे, आपको जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर वो वायरस मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है तो मैं उसको इन्फेक्ट जरूर करता हूँ, दूसरे व्यक्ति तक लेकर जरूर जाता हूँ, क्योंकि मैं अर्ली स्टेज में जब मेरे शरीर में मेरे वायरस होता है तो मैं दूसरे शरीर तक उस क्योंकि वो मेरे ड्रॉपलेट्स के इन्फेक्शन के माध्यम से जब मैं सांस लूँगा और सांस बाहर छोड़ूंगा तो छोटे छोटे माइक्रो कण के माध्यम से वायरस जो है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा। इसको जाँचने का परखने का एकमात्र ही तरीका है कि हम उसकी जाँच करते हैं, उसकी जाँच में यदि वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है RT-PCR या हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, यदि वो टेस्ट में उसके अंदर बैक्टीरिया या जो हमारी वायरस है वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर वो वायरस है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपके पास आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि सपोज़ हम किसी एक पोंड के पास खड़े हों और वहाँ 20 बार हम मछली पकड़ने के लिए कांटा डालें, एक बार उस कांटे से मछली निकल आए और 19 बार नहीं निकले, तो हम क्या मानेंगे उस पोंड में मछली है या नहीं है? सही है कि अगर एक बार भी आई है तो इसका मतलब उसमें मछली है, 19 बार वो कांटा खाली आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मछलियां नहीं हैं, उसमें मछली हैं, इसका मतलब उस पोंड में मछली हैं। इसी तरह से जो हमारा सैंपल लेने की प्रक्रिया है वो बहुत साधारण प्रक्रिया है कि हम एक स्वैब के माध्यम से ओरोनेजल स्वैब से टच करके वायरस को डिटेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से हमने वो सैंपल लिया वहाँ पर वायरस हो सकता है वो वायरस उसकी दूसरी जगह पे पड़ा हो सकता है कुछ देर के बाद वो वायरस जो हमारे शरीर के दूसरे अंगों में चला जाता है जहाँ से हम सैंपल नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि एक बार वो सैंपल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर वायरस है, और वो वायरस जो शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है वो 10 दिन के अंदर अपने मैक्सिमम सिम्टम जो है वो पैदा कर देगा, यानी कि या तो उस व्यक्ति को बीमार कर देगा, उस व्यक्ति के अंदर सिम्टम पैदा कर देगा, या वो अगर बहुत ज़्यादा तरीके से फैल गया तो उसको हॉस्पिटलाइज कर देगा। ऐसी अवस्था में यदि एक व्यक्ति का सैंपल आज पॉजिटिव आता है और 10 दिन तक उसको कोई सिम्टम नहीं आते, जिसको हम एसिम्टोमेटिक बोलते हैं, इसका मतलब ये माना जा रहा है कि अब उस व्यक्ति के अंदर वायरस का फैलाव नहीं है और वो दूसरे व्यक्ति को फैला नहीं रहा है, और उसको हम नेगेटिव लेबल कर देते हैं, उसको दोबारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिना वजह जो सैंपलिंग की प्रोसेस है उस पर प्रश्नचिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि यदि मुझे बताया गया है कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है, मेरे अंदर से सैंपल एक बार आया है, तो मुझे बार बार जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वो आपको कन्फ्यूजन ही पैदा करेगी। मुझे पता लग गया कि ये मेरे अंदर वायरस है तो या तो वो 10 दिन के अंदर मुझे बीमार कर देगी और अति गंभीर बीमार कर देगी, या मैं उसे रिकवर कर जाऊंगा। दोनों ही अवस्था में 10 दिन का कटआउट पॉइंट है। यदि मुझे आपने किसी लैब से जांच कराई और आपका सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप 10 दिन के लिए स्वयं को आइसोलेट कर लीजिए, घर पर रहिए, दूसरे लोगों के संपर्क में मत आइए। और यदि आप बिल्कुल ठीक ठाक उस फेज को निकाल जाते हैं तो इसका मतलब सही है कि आपने उसके शरीर में आपके वायरस ने प्रवेश किया, आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी थी, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई जिन्होंने उस वायरस को ख़त्म कर दिया, और अब आप एक हेल्दी आदमी हो, आप आम आदमी के साथ रह सकते हो। लेकिन जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो हमारे ब्लड में जा रही है, तो इसका क्या कनेक्शन है? देखिए जैसे मैंने कहा कि हमने कोरोना वायरस जो है उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री हमारे शरीर में मुंह, आंख और नाक के माध्यम से, यानी कि एक ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारी है। जब एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो वो इन पोर्टल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा वायरस, उस वायरस के अगेंस्ट हमारे शरीर, क्योंकि ये वायरस जाने के बाद फिर हमारे ब्लड में जाता है जिसको हम वायरीमिया बोलते हैं, जो भी प्रवेश की रूट है उसके बाद ये वायरस हमारे शरीर में जाकर हमारे ब्लड में प्रवेश करता है और उस स्टेज को हम वायरीमिया बोलते हैं। और अगर बैक्टीरिया कोई हमारे शरीर में ब्लड में प्रवेश करता है तो उसको बैक्टीरिमिया बोलते हैं। तो जब ये वायरस है तो इसको वायरीमिया बोलते हैं, हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से प्रवेश करता है और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचता है, फिर ये और
क्योंकि सांस के माध्यम से पहुंचा हुआ सीधा लंग्स तक भी पहुंचता है, लेकिन गुर्दे तक, किडनी तक, हार्ट तक ये हमारे खून के माध्यम से पहुंचता है। और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है कि वो इसके अगेंस्ट इसको ख़त्म करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज तैयार करता है। तो यदि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, उस एंटीबॉडीज़ की वजह से हम उस शरीर इस बीमारी को कोप अप कर लेंगे। और जो ये हम वैक्सीन देते हैं, ये हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, ये भी हम ब्लड में नहीं दे रहे हैं, ये भी हम मांसपेशी में दे रहे हैं। जब ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो इसके अगेंस्ट भी शरीर हमारे एंटीबॉडी तैयार करता है, लेकिन बीमारी पैदा नहीं करता। और आने वाले समय में हम ऐसी जो वैक्सीन भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होने जा रही हैं, जो जिस तरह से हम इनहेल करते हैं, वायरस हमारे अंदर इनहेल करता है, तो जब हम उसको इनहेल करेंगे वैक्सीन को, वो भी सेम तरीके का रिस्पॉन्स पैदा करेगी और हमारे शरीर में एंटीबॉडी पैदा करेगी। अब चलते चलते लास्ट सवाल ये है आपसे, अगर मैं कोरोना पेशेंट निकल गई, मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है, तो उससे पहले क्या प्रिकॉशन लें? हम खाली पेट जाएं या फिर उसे एक घंटे पहले तक ये चीज़ें ना खाएं, ये चीज़ खाएं, या कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हम ये चीज़ ना खाएं, क्या प्रिकॉशन इस तरह के हैं जो हमें ध्यान? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई पेशेंट एक्टिव पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट है, उसको एक महीना तक इंतजार करना होता है, तुरंत उसको वैक्सीनेशन नहीं करानी होती। जो हेल्दी व्यक्ति हैं, वैक्सीनेशन उन्हीं लोगों को लगाई जाती है जिनमें इस टाइम कोई संक्रमण नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। तो यदि कोई आदमी को अभी अभी कोरोना हुआ है तो उसको एक महीना इंतजार करने के बाद वैक्सीनेशन की जाती है। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, एक तो वो खाली पेट ना जाएं, वो कुछ खा कर जाएं। कोई भी खाने की पदार्थ जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इसमें, जो भी आप रूटीन में खाना खाते हैं वही खाएं, प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशियस डाइट लें, फल फ्रूट लें, दूध लें, जो है ड्रिंक्स लें, कोल्ड ड्रिंक्स लें, जो आप पीते हो, जूस पीते हो, पानी लेते हो, ORS का घोल लेते हो, नींबू पानी लेते हो, सब कुछ आप ले सकते हो, खाली पेट ना लें। क्योंकि खाली पेट होने से कई बार जब आपको वहाँ इंतजार करना पड़ता है तो वेजोवेगल की वजह से भी आपको चक्कर आ सकता है, गिडीनेस हो सकती है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इंपैक्ट रहता है कि आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई है, और उसका हल्का फुल्का जो फोबिया सा होता है वैक्सीनेशन का, उसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकता है। तो एक तो खाली पेट ना जाएं, कुछ ना कुछ खाकर ही आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं। दूसरा, इसके साथ वैक्सीन लगने के बाद कोई भी डाइट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये एडवाइजरी जरूर जारी की जाती है कि जो ड्रिंक है, यानी कि जो अल्कोहल है, उसका सेवन ना किया जाए, क्योंकि वो जब अल्कोहल हम वैक्सीनेशन के बाद लेते हैं तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। एक तरफ से हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वैक्सीन ले रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए हम ड्रिंक लेंगे, तो वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में हमारी एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी। हालांकि इनका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन इसलिए हिदायत दी जाती है कि हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की जब दवाई ले रहे हैं, एंटी वो वैक्सीन ले रहे हैं, तो उस समय हम इम्यून घटाने वाली चीज़ें ना लें। धन्यवाद सर। तो आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए थे सिविल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय दहिया जी, जिन्होंने हमें बुरी तरह से समझाने का प्रयास किया कोरोना के प्रति लापरवाही ना बरतें और कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक हों। साइंस अलग तर्क देती है और आपका जो समझ है, आपकी जो विश्वास पैदा होता है, उन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना अच्छा डॉक्टर के समझाने के बावजूद भी अगर आप कोरोना और कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जागरूक हों। सर जो बात बताए हैं उनको गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सर ने बहुत गहराई और बहुत साफ साफ शब्दों में हम सभी को समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी अगर आप कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कोरोना का भले ध्यान मत रखिए, लेकिन बाहर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनिए, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को समय समय पर धोते रहिए, और हाँ, घर से तभी बाहर निकलिए जब ज़रूरी हो, और वैसे भी गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं तो आप धूप से काले ना हो, गर्मियों में जो बीमारियाँ लगने वाली है वो आपको ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना हो सके घर में ही रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस खास बातचीत को मैं यहीं पर अंत करती हूँ, और आपसे हम और डॉक्टर की तरफ से, हम सभी की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप घर से बाहर कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है उसका पालन करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।